हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। आज इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ लोगों का इंटरव्यू, जो उनके फिल्मी करियर के बारे में बात की जाएगी। उनको कितने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते, क्या एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, कैसी जर्नी रही, कितना पेमेंट मिला और किन किन मुश्किलों का, कैसी मुसीबतों का उनको फिल्म इंडस्ट्री में रहते रहते सामना करना पड़ा या कितना मज़ा आया उनको, इन सब बातों पर आज इस व्लॉग में चर्चा होगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो मौसम हो रहा है और बाहर इन्होंने लगा दी है लाइट। हाय गाइस, कैसे हो? एकदम बढ़िया है गाइस। तो तू बता भाई, मैं भी बढ़िया। किस डिपार्टमेंट में है? लाइट में। कितना टाइम हो गया काम करते करते? अच्छा, 12:30 हो रहे। क्या बात है। पैसे पैसे टाइम पे मिल जाते? नहीं, पैसे क्या, पैसे तो झोल झाल करके 2-3 महीने लटका देते हैं। पैसा नहीं मिल रहा ना टाइम पे। और फिल्म इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया काम करते हुए? इंडस्ट्री में काफी हो गया, ज्यादा दिन तो नहीं हुआ पर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया तो कहीं भी टाइम पे नहीं मिल रहा ना पैसा? कहीं भी नहीं मिल रहा। गाँव कौन सा हुआ तुम्हारा? गोरखपुर। क्या बात है भाई, गोरखपुर से आ रखा है लड़का। और 1 साल में पैसा वैसा कमाया नहीं कमाया? तो फिल्म अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आने का फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक था या फिर मजबूरी? लेकिन अब नहीं है। तो एक्टर बनने आया था? मैं एक्टर बनने नहीं आया, पर अच्छा। तो और डिपार्टमेंट नहीं मिला क्या? सिर्फ यही मिला लाइट का ही? अरे डिपार्टमेंट मेरे को बहुत मिला, वो कैमरा के भी साथ काम करने के लिए। लेकिन पैसा नहीं मिला कहीं भी? है सारी जगह इंडस्ट्री में, यही तो है, काम करो, पैसे 3 महीने लगते हैं। 3 महीने मिलेगा नहीं? अरे ये बात तो है, सब परेशानी आज के टाइम। है क्या चांस मिलने का? चांस ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कोई ढंग का शूट आता है तो उसमें भी ऐसे ही होता है या ऐसे ही? कोई भी होगा, सब में झोलर भरे हैं। तो कितना पैसा फंसा हुआ है अभी तुम्हारा? सब झोलर बजे हुए तो भाई, सताए हुए लोग हैं, सताए हुए हैं। अच्छा, तो तुम एक्टर बनने आए थे या फिर? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। पैसा पैसा पैसा, कोई भी आदमी है, हर आदमी पैसे के पीछे लगा हुआ है और हर आदमी की पैसा ही ज़रूरत है। अगर काम करने के बाद पैसा आदमी को ना मिले तो बड़ी समस्या हो जाती है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में आदमी काम करे या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आदमी काम करे, पैसे की हर किसी को जरूरत। अगर पैसा टाइम पे ना मिले तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसका अगर हमें पैसा नहीं मिलता तो ये और प्रॉब्लम। हमारा ब्रेक और बारिश आ रही है झमाझम, और ये लोग बारिश में ही खाना लेने लगे पड़े हैं। मैंने तो अपना खाना ले लिया, ये आज का खाना है, कितना क्वालिटी प्यारा है। ये भाई खाना खिलाते हैं। अरे हाँ, और ये मैंने भी खाना ले लिया, ये ले लिया मैंने खाना, और मैं भी खाना खाऊंगा। ये बारिश में ही ले रहे हैं खाना, झमाझम झमाझम बारिश है। नहीं झमाझम नहीं, ये देखो। चलो खाना खा लेता हूँ मैं भी। खाना खा लिया हमने, लेकिन खाने से जितनी उम्मीद कर रहे थे उसका 1% भी नहीं है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था खाने में। नमक है, न मिर्च है। हाँ भाई, खाना खा रहे हो? हाँ यार, अच्छा है कि टेस्ट है? नहीं टेस्ट खाने नहीं है, खाने टेस्ट नहीं है ना, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं आया। ये देखो इधर बैठे हैं। हाँ भाई, टेस्टी है, कैसा है? है बढ़िया। ये तो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, नहीं चाह। एक ये इधर है, एक ये इधर खा रहा है, पेट भरने के लिए। पर यह एक ऐसे सीन की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, सीन है फांसी वाला।
फिल्मों में कैसे फांसी दी जाती है, कैसे फांसी वाला सीन शूट किया जाता है, पहले वो देखिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे की स्टोरी। तुम दोनों अगर बीच में आएगा तुम दोनों को मारूंगा। एंड में यहाँ पे आ जाना, बस एंड में गिर जाना और वो ये जुटा। तो सीन हो गया है उधर का कंप्लीट। थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ आपको कि बाहर कैसा मौसम हो रखा है। बाहर है ऐसा जबरा मौसम हो रखा है, जबरा। लड़की को फांसी पे लटकाने वाला सीन अभी ख़त्म करके आ रहे हैं। थोड़ा सा यार बाहर घूम लेगा क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अंदर ही अंदर शूट करते करते थक जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।